तो पहले मैच आज बी ग्रुप के डालेंगे, उसके बाद सी ग्रुप के। आप जो लाइव दर्शक देख रहे हैं वो जो हमारे पास आठ टीम जीती है वो बी ग्रुप की, मंथन पटेल आपको आठवीं पर्ची बता रहे हैं, जो जो जीती है मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अर्जुन मकवाना, गोतखपुरा, एचएम एकता, सुमित नागर, औरंगपुरा क्रिकेट क्लब, रवि सुनाला, सुनाला क्रिकेट क्लब, सेफ अली, देपालपुर, सेफ इलेवन, देपालपुर से भोला भाई की, शिव नारायण कुशवा, बेटमा, रॉयल्स इलेवन बेटमा, संदीप पवार, बजीपुरा इलेवन, नितिन यादव देपालपुर, याराना ग्रुप देपालपुर, हिमांशु देपालपुर, शांति विहार योद्धा, ये आठ टीमें इस ग्रुप से हैं। अब आठ में से ये आपस में चार ग्रुप बनेंगे, इसमें ये देखिए आप खुद आ जाइए, जो भी करता हूँ इस ग्रुप में कैमरा बिल्कुल लाइव चलाए। ये हम आठ चिट्ठी डाल रहे हैं, दो दो चिट्ठी उठाएंगे और दोनों का आपस में मैच होगा। आप आ जाए, सादा दली जी ऊपर आ जाए, भैया एक बार इधर सामने देखो। बच्चों ना पीछे, बच्चे हट जाओ, बच्चे हट जाओ, लाइव में पूरी लॉट्स प्रक्रिया चल रही है। लाइव के दर्शक सबसे पहले बी ग्रुप के लॉट्स में डालेंगे, ये 16 आठ चिट्ठी हमने डाल दी है बी ग्रुप की, इसमें से चार बैच होंगे। पहले हम ला रहे हैं इसको थोड़ा पूरी लॉट होकर आ जाएंगे, जाए कितना जीत आ जाए, ये टेबल हटा दो, कल बी ग्रुप के चार मैच होंगे। समय अपन बताएंगे बाद में, समय आपको जो जीपीएल ग्रुप है, सभी कप्तानों का ग्रुप है, कल आपको 11 बजे समय की घोषणा हो जाएगी। आपको जो पहली दो टीमें आपस में जिनका मैच होगा वो टीमें हैं, आप बिल्कुल लाइव दे सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, जो दो टीम है उसमें से बदीपुरा इलेवन संदीप पवार जिसके कप्तान है, उनका सेफ अली क्रिकेटर सेफुल्ला भाई की, ये बदीपुरा से मैच होगा। मैं बधाई देता हूँ ग्रुप बी, दूसरी जो टीम आपस में खेलेगी वो दो टीमों के नाम है, शांति विहार योद्धा देपालपुर, उसके कप्तान है हिमांशु, शांति विहार का मैच होगा, एचएम एकता इलेवन गौतमपुरा, उसके कप्तान है अर्जुन मकवाना। कल मैच होगा ग्रुप बी और सी का, दोनों के आठ मैच होंगे कल। जो तीसरी जोड़ी है क्रिकेट औरंगपुरा क्रिकेट क्लब, जिसके कप्तान है सुमित नागर की कप्तानी का मैच होगा, रॉयल्स इलेवन बेटमा जिसके कप्तान है शिव नारायण कुशवा, इन दोनों का आपस में मैच होगा। अब जो दो शेष रही हैं वे टीम है नितिन यादव कप्तानी में, याराना ग्रुप देपालपुर का मैच होगा रवि सुनाला से, सुनाला क्रिकेट क्लब और नितिन यादव की टीम, सुनाला के कप्तान का नाम
रवि रवि और नितिन, तो ये थी बी ग्रुप की चार टीमें जिनका कल मैच होगा। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि जिन चारों टीमों में से नितिन यादव की याराना और सुनाना, ये दोनों का रॉयल्स इलेवन बैट्समैन शिवनारायण कुशवाहा कप्तान, उसका मैच होगा ओरन ब्रायन डायरेक्टर्स के कप्तान सुमित नागर, फिर हिमांशु की कप्तानी में शांति विहार योद्धा दीपालपुर और अर्जुन ककवाना एच ए मेहता को कपूरा, सेफ अली इलेवन जिसके कप्तान सेफ उल्ला फारूकी, उनका मैच होगा बदीपुरा इलेवन संदीप कुमार से। तो ये टीम तैयार है, कल के लिए 11 बजे आपको समय बता दिया जाएगा। अगला जो ग्रुप है सी ग्रुप जिसके चार मैच होने जा रहे हैं, जीतने के लिए 50 रन चाहिए। ये देखिए सी ग्रुप के जो 8 टीम है, अमजद खान अमजद इलेवन देवालपुर जिसके कप्तान है अमजद अक्सर, अमजद इलेवन देवालपुर, योगेश गौड़ हरनासा जिसके हरनासा की टीम है, शेजवानी श्रवण जिसके कप्तान है शेजवानी की इलेवन, रोहित मंडलोई चिराग खान इलेवन, जगदीश जी गौतमपुरा गौतमपुरा क्रिकेट टीम, तनिष गौतमपुरा गौतमपुरा वॉरियर्स, बाबूलाल राठौर बजरंगपुरा इलेवन बजरंगपुरा, अभिनंदन गहलोत शाहपुरा इलेवन शाहपुरा, इनका मैच होगा। अब हम ये 8 टीमों की पर्ची डाल रहे हैं जो आपस में इनका मैच होगा कल ही, तो कल 8 मैच होंगे ग्रुप बी के 4 और ग्रुप डी के सी के 4, वेडमा और त्रिपुरा का टास्क कराए आदरणीय टास्क हो रहा है। मुखातिब हो रहा हूँ इन आपस में देखिए बचिएगा जो दो टीम है सी ग्रुप की जिनका आपस में मैच होगा, वो दो टीम है योगेश गौड़ धरनासा इलेवन के कप्तान योगेश गौड़ और अभिमन्यु गहलोत शाहपुरा और शाहपुरा इलेवन और फिर धरनासा इलेवन, दोनों का मैच होगा ग्रुप सी। कल मैच हो रहा है हमारे अमजद इलेवन देपालपुर अमजद खान और शेजवानी इलेवन श्रवण का मुकाबला शेजवानी का मुकाबला देपालपुर इलेवन से होगा। बहुत बहुत बधाई। अगली है गौतमपुरा क्रिकेट टीम, गौतमपुरा के कप्तान जगदीश जी का मुकाबला होगा तनिष गौतमपुरा वर्सेस गौतमपुरा, तनिष जी से गौतमपुरा की टीम का मुकाबला स्वयं गौतमपुरा से होगा कल ही। अगली जो शेष बची दो टीमें स्वतः ही अपने आप में ये मैच होंगे जिनके उनमें रोहित मंडलोई चिराग खान इलेवन रोहित मंडल कप्तान, उसका बाबूलाल राठौर कप्तानी में
बजरंगपुरा मैच हो रहा है। तो ये थे 31 तारीख के कल के 8 मैचों की जानकारी। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं सी ग्रुप के नाम जिनके कल मैच होंगे, तनिष गौतमपुरा वर्सेस जगदीश गौतमपुरा, श्रवण सेजवानी वर्सेस अमजद इलेवन नेपालपुर, अभिनंदन गहलोत शाहपुरा वर्सेस धरना साहब इलेवन योगेश गोड़, और बाबूलाल राठौर भजनपुरा इलेवन वर्सेस रोहित मंडलो चिराखा इलेवन, ये मैच होंगे। तो ये कल के मैच मैंने आपको बता दिए। अब एक तारीख के मैच, दिनांक 1 तारीख के मैच, छह निकलेंगे नेपालपुर, रवि चौहान महाकाल इलेवन अजिंता, रवि चौहान लखन मोड़ छोड़ोला क्रिकेट क्लब, लखन मोड़ छोड़ोला बछोड़ा क्रिकेट क्लब, बछोड़ा क्रिकेट क्लब बछोड़ा, बेटमा स्पोर्ट्स मुस्किन जिसके कप्तान है बेटमा स्पोर्ट इलेवन, लखन नोगावा क्रिकेट क्लब के लखन नोगावा क्रिकेट क्लब, इनका मैच आपस में होगा। तो जिन आज का मैच होगा मैं पुनः तो स्क्रीन बोर्ड कर दिया है और ये बता भी दिया है कि इतना आसान नहीं होगा ये 4-9 का टोटल बनाने के लिए। समय करेंगे 5/1 पहले आउट समाप्ति के बाद तो शानदार वापसी की है और ऐसा देखा गया है कि छोटे छोटे को डिफेंड करते हुए मैंने पीछे रखवाई है। आज आपने देखा 44 डिफेंड नहीं हुआ था, 44 गेंद नहीं हुआ थोड़ी, तो कहीं ना कहीं कमेडिया को फिर से प्लान भी करना होगा और दोनों बल्लेबाजों पर काफी डिपेंड होगी। पृथ्वी जब भी घोड़ा गया छोड़ने वाले ने एक अच्छी स्टार्ट किया था, 44 तक अच्छा कर रहा था सब कुछ, लेकिन 4-9 तक आते आते सारे ओवर शांत हो गए, कई विकेट गवाए घोड़ा ने, लेकिन अब गेंदबाजी तो पूरा जाना होगा। एक ओवर एक तारीख को जिसके मैच होंगे उन पहली दो टीमें जो भिड़ेगी जिसके कप्तान है शुभम चौहान छोटा बांगड़ा क्रिकेट क्लब वर्सेस नोगावा क्रिकेट क्लब जिसके कप्तान है भैया लोगा और छोटा बांगड़ा का मैच होगा 1 तारीख को।
दूसरी टीम है जो आपस में दूसरा मैच जिसके कप्तान है लखनऊ बछोड़ा बछोड़ा के बछोड़ा क्रिकेट क्लब का मैच होगा श्री बालाजी क्रिकेट क्लब विजयपुर श्री बालाजी क्रिकेट क्लब विजयपुर जिसके कप्तान है माखन राठौर एक तारीख को जो अगला मैच होगा तीसरा मैच वो है रंधावा रंधावा इसके कप्तान है अटायड़ा टीम है संगम क्रिकेट क्लब अटायड़ा और वसीम इलेवन डेमारपुर वसीम खान इसके कप्तान है उनका मैच अटायड़ा से होगा और जो चौथा मैच है स्वतः ही अपने आप मुस्किम मुस्किम वेलमा स्पोर्ट्स मुस्तकिम मुस्तकिम जिसका रवि चौहान अजंता 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 वर्सेस वेलमा दोनों का एक ही बात के हैं उन्होंने बधाई देता हूँ जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जीतेगा मिलेंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद जब तक आप लाइव कमेंट्री सुनिए हमारा ई ग्रुप के लिए पेज मैं डलवा दूं आदरणीय मंत्री जी पटेल से निवेदन करता हूं कि वो ई ग्रुप के जो आके आप लाइव की चलें देखिए कमेंट्री लाइव करिए अभी से ठीक है इसको मैं कारण चाहिए तो खिलाड़ी खिलाड़ा आठ ओवर से चौदह बिल्कुल हाथों की तरह मारा है धक्का और इस वही तरह धक्का है अब बनी रहा तो क्योंकि कहीं ना कहीं जिनका ब्याज कर दिया है घूमा दिया के गेंदबाजों ने 49 को डिफेंड कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके कर रहे हैं और पंड्या को कहेंगे यहाँ से रिस्टार्ट करें और एक प्लान बी पर जाकर दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को लेके जाए तो आइए पुनः मैं आपको लास्ट में ले सकता हूँ तो जो और टीमें जो इनाम ले रहा हूँ उनके उनमें है दौलताबाद क्रिकेट क्लब दौलताबाद नेशनल क्रिकेट क्लब जयपालपुर मेजबान क्रिकेट क्लब जयपालपुर ओपी इलेवन गोरखपुरा फिंस इलेवन कोलकाता पटेल क्रिकेट क्लब मुंडला उच्च स्थान से कप्तान है अंबाखेड़ी इलेवन पाटीजा अंबाखेड़ी और रॉयल स्टार फिरेली इनके मैच होंगे तो मैं चार मैच जो होंगे आपस में वो आपको अतिशीघ्र जब तक आप कमेंट्री अभिषेक की होने दें 15 पर एक और निखिल चौधरी को सतीश चौधरी की ओर से छक्का मारने का स्कोर फिलहाल पर एक स्कोर और उसके बाद बनेरा का स्कोर चौका पर एक तीसरा ओवर भाग देगा पावर प्ले जो आपस में मैच होंगे जो एक तारीख को मैच होंगे उनमें आपको दो टीमें जो खुलेगी पहला मैच इरफान पटेल फिंस इलेवन कोंगारा का मैच होगा कुतुस खान अमाखेड़ी पाकिजा इलेवन एक तारीख को ब्रूटी मैं थोड़ा सा दिखा दिया करो भैया थोड़ा सा यूं घुमा दो भाई जी देखो यार रॉयल स्टार फिरेली जिसके कप्तान है असलम पटेल इनका मैच होगा दौलताबाद क्रिकेट क्लब मोइन खान
इटली का दो तरफा से मैच होगा। सस्पेंस से बने रहिए, क्या दो भाई आपस में खेलेंगे या अलग अलग खेलेंगे, सस्पेंस बरकरार है। तो मैं मुंडला पटेल के कर मुंडला मेजबान क्रिकेट क्लब, मेजबान क्रिकेट क्लब हमारे पास कंसोल कप्तान दोनों जो चाहते थे, अब जिसके अशफाक मंसूरी मेजबान के लिए कप्तान है उनका मेज हबीब अहमद मुंडला से होगा। नेशनल क्रिकेट क्लब नेपाल पंडित बहुचर्चित टीम नेशनल क्रिकेट क्लब जिसके कप्तान है सारा भाई सलीम खत्री जिसके कप्तान है गौतम गुलाव ओपी इलेवन से मैच होगा नेशनल क्रिकेट क्लब का। तो मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, अच्छा प्रदर्शन करें और अगले राउंड में प्रवेश करें। तो 1 तारीख को ये 8 मैच हो जाएंगे, अब 2 तारीख को 3 में से इन ग्रुपों में से जो 4 मैच हमको लेना है और 1 ग्रुप के 4 मैच बी सी डी ई में से कोई से भी 4 मैच लेंगे और अभी जो मैच चल रहे हैं उसके बाद 1 ग्रुप के हम लास्ट डालेंगे अंतिम मैच के बाद। ये मैच समाप्त हो जाए उसके बाद 1 मैच के लास्ट बचे हैं। अभी दादा ना विजेता का था, सिर्फ इसका एक टीम रहेगी, हाँ बस दो टीम है, हाँ एक टीम रहेगी विजेता का था ना, नहीं टाइमिंग का बोला था, टाइमिंग सबका ये निर्णय है कि जो 2 मैच बचे हैं उनका आपस में हो जाएगा। तो मैं 1 ग्रुप जिनका मैच 2 तारीख को होगा, 1 ग्रुप जिनका मैच 2 तारीख को होगा, हमारे पास 6 टीम तो आ गई है क्वालिफाई होके, 2 टीम और बची है, 2 टीमों का आपस में मैच हो जाएगा। इस क्रिकेट क्लब के क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक मंथन पटेल द्वारा जो 1 ग्रुप बचा था लाइव रहे, जो दर्शक वो देखते रहे, इस ग्रुप का मैच 2 तारीख को होगा, 2 तारीख को 1 ग्रुप का मैच होगा, 1 ग्रुप में जो पहले जो मैच होगा 2 तारीख को विपिन पटेल चिमन खेड़ी 11 का मैच होगा, थाना चौधरी थोड़ा सा दिखाना चिमन खेड़ी 11 का थाना 11 से ओके 2 तारीख को टाइम कल बताया जाएगा। अभी जो 2 टीमें हैं जो आपस में जिनका मुकाबला होगा वे लखन नागर दुलतावाद दुलतावाद 11 अंकित दुर्गोदा का मुकाबला दुलताबाद 11 लखन नागर तीसरा मैच 2 तारीख का किंग्स 11 छोटा वांगड़दा नकुल जिसके कप्तान है, किंग्स 11 छोटा वांगड़दा नकुल उसका जम्बोली एफसी कलोता 11 रवि जिनके कप्तान है छोटा वांगड़दा वर्सेस जम्बोली दोनों एक ही क्षेत्र की टीम है,
और जो टीम बची है वो स्वतः ही अपने आप से मुकाबला करेगी, वो टीम है राजकुमार दयाल लोडिया महाकाल इलेवन का मुकाबला, अरविंद पटेल बलेडिया बलेडिया टेनिस क्लब का मुकाबला महाकाल इलेवन लोडिया से। आपको बहुत बहुत बधाई, 2 तारीख को बनेगा, कल आपको समय बता दिया जाएगा।